हेलो दोस्तों, मैं मनोहर खान, आप देख रहे हैं एमके टेक्निकल। दोस्तों आज हम आपको कुछ अलग ही आइटम दिखाएंगे और ऐसा आइटम कि आप भी हिलने वाले हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो और मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा और आज हम मशीन पर टेस्ट करके भी दिखाएंगे कितने वाट निकल रहे हैं, कितने वाट की रोशनी निकाल रहा है ये बल्ब। और ये डीओवी आई है दोस्तों, ये 9 वाट में डीओवी आई है। और इस डीओवी की थिकनेस देखो आप कितनी मोटी है, मैं थोड़ा सही से दिखाऊंगा। ये देखिए आप, बहुत मोटी इसकी थिकनेस है, ज़बरदस्त। ये देखिए कितनी मोटी है ये, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले मैं डबल कर लूँ जब इसकी मोटाई आपको दिखेगी। ये देखिए ये कितनी मोटी है, ये 2 हैं, बहुत हैवी और मोटी है। ये देख सकते हो पीसीबी है और ये 9 वाट की पीसीबी है। और इसकी रोशनी भी दिखाने वाले हैं, इसका बल्ब भी बना करके दिखाने वाले हैं, वीडियो में लगे रहो। फिर ये कितने वाट की रोशनी निकाल रहा है विद मशीन के साथ टेस्ट करके दिखाएंगे, और भी कुछ आपको टेस्ट करके दिखाएंगे मशीन पर। वीडियो एंड तक देखें, बहुत कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए, चलो स्टार्ट करो। और पहले हम ये B22 इसमें लगा लो यार, ये चीज़ तो लगा लो, तो लगभग सभी पे लगाने आते हैं, तो इसे दिखाने से क्या फ़ायदा, लगा लो ये। देखो दोस्तों ये हमारा B22 एकदम परफेक्ट तरीके से हम दिखाना चाहेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से ये इसमें पंच हो गया है। और ये आप फिनिशिंग देख सकते हो B22 की, रिपीट वाला है, बहुत गजब का हैवी आइटम है ये। हम चाइना वाले नहीं लगाते, हमारा कंपनी का B22 होता है, हैवी वाला एकदम। लगाइए इसमें तार, लगाइए। ये हम आपको आज DOV बल्ब बना करके दिखाने वाले हैं। ये इधर को ले आओ, थोड़ा इधर करके तार लगाओ ज़रा, ये चीज़ रख लीजिए, रिपीट लगाओ इसमें। दोस्तों कुछ अलग ही इसकी रोशनी है, मैं भी कल देख करके इसकी रोशनी एकदम हिल गया, क्योंकि ड्राइवर भी नहीं दे रहा इतनी ज़बरदस्त रोशनी, ताज्जुब की बात है, ड्राइवर भी रोशनी नहीं दे रहा इतनी तेज। बस इस अब इसमें टिक्की फिट करनी है, टिक्की फिट कर लो। चलो ये भी अब दिखाना ही क्या, चलो दिखा दो, दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टिक्की फिट करो। ओके ओके दोस्तों, हमारी ये टिक्की फिट हो गई है। अब इसमें हम DOV को लगाने वाले हैं, सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे, फिर इसमें DOV लगाएंगे। आप सिलिकॉन पेस्ट लगाने का तरीका देख लीजिए, ये सबसे अहम है। हम ये DOV के चारों ओर सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ, और फिर इसे इसमें लगा करके थोड़ा सा यूँ प्रेस करके यूँ थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरीके से। सिलिकॉन पेस्ट लगाने के बाद में इस तरीके से हम करेंगे इस पर PCB पर, और ये सेट हो जाएगा, सारे में लग जाएगा फिर ये। यही लगा दो इधर को थोड़ी थोड़ी, हाँ, और थोड़ा और किनारों पे लगाओ, हाँ, बस इसे आप जो है इसमें लगाओ, और इसमें लगा करके आप इसे थोड़ा सा प्रेस करके राउंड कर देना, घुमा देना थोड़ा सा, हाँ बस।
थोड़ी देर के अंदर ये सेट हो जाएगा दोस्तों, चिपक जाएगी ये। तो दोस्तों हमने ये तैयार कर दिया है, ये थोड़ा हमें इसलिए नहीं दिखाया तैयार करते हो क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। और ये देख लीजिए हमने ये डीओ भी इसमें लगा दी है। अब हम इसमें ये हटाइए इसमें से, अब हम मशीन से हम टेस्ट करके दिखाएंगे, इसे वोल्ट भी दिखाएंगे, रोशनी भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। अब ये देखिए ये हमारे बोल्ट आ रहे हैं 229.6 वोल्ट एसी के आ रहे हैं इसमें। यहाँ कितने मिली एम्पियर वोल्ट आएंगे, यहाँ वाट कितने आएंगे, समझे, यहाँ पावर फैक्टर, मुझे सारा कुछ ये दिखाएगा आपको। तो अब हम ये बल्ब में डिफ्यूजर लगाओ, इसमें बल्ब में ही सामने ही डिफ्यूजर लगाओ, सामने ही चेक कराइए। अब ये हम टेस्टिंग पे लगाएंगे इसको, ये देखिए ये थोड़ा रोशनी देखिए, इस डीओबी की रोशनी इतनी ज़बरदस्त है, ये थोड़ा सामने है इसलिए हिल रही है। अब इसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये कितने वाट ले रहा है, ये देखिए ये जो डीओबी है 9.5 वाट से ऊपर है, ये देख सकते हैं 9.552 करके, मतलब 9.5 वाट से ऊपर इसकी रोशनी आ रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इसकी जो इसकी रोशनी है वो कितनी होगी, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो आप। एक ड्राइवर वाले से ज़्यादा वेस्ट, ज़्यादा हैवी रोशनी है इसकी, वाकई में ही एक ड्राइवर से ज़्यादा है, क्योंकि 9.5 वाट, 9.5 वाट यहाँ आपको दिखा रहा है जो रोशनी ये दे रहा है। अब इसके बाद में हम दूसरी और भी एलईडी हम दिखाएंगे, जैसे हमारे पास ये एलईडी है, ये हटाइए बल्ब हटाइए। अब हमारे पास ये एलईडी है, कोब एलईडी है कलर में, ये चेक करके दिखाएंगे। और ये है हमारे पास 3 वाट की, ये देख सकते हो आप 3 वाट ये लिखा हुआ। अब हम इसे दिखाएंगे, दिखाओगे चलो अभी चालू करो बटन, ये देखिए ये ब्लू कलर जल गया, बहुत ही बेहतरीन इसकी रोशनी, बहुत बढ़िया है, फोकस बहुत अच्छा है इसका, कॉब एलईडी में और एल्युमिनियम के अंदर है, बहुत भारी है ये चीज़, भारी बहुत है। और इसमें देखिए कितना वाट आ रहा है, ये देखो 2.8289 इस तरीके से करके, मतलब कुल मिला के इसमें कुछ कम 3 वाट शो कर रहा है, कुछ कम 3 वाट शो कर रहा है ये। और अगर एम्पियर, मिली एम्पियर की बात करें तो 21.65 करके ये मिली एम्पियर ले रहा है। इसमें इसकी ये चीज़ सारी बता दी जाती है आपको, तो उससे ये इसे इस वाट देख के मेन चीज़ है वाट और मिली एम्पियर, कि हमें मिली एम्पियर हमारा कितने मिली एम्पियर पे ये चल रही है और वाट कितने दे रहा है, तो वाट से रोशनी का अंदाज़ा हो जाता है, समझे, कि हमारी एलईडी रोशनी अच्छी खासी दे रही है, बढ़िया एकदम, आप देख सकते हो। और भी हम एक दो बल्ब और चेक करके आपको दिखाएंगे 9 वाट में या किसी और वाट में, देखते हैं।
हाँ ये वाला दिखाइए, ये वाला, और ये वाला हमने, ये 30 वाट में हमने बनाया है, 30 वाट में बनाया। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कितने वाट शो करता है। और ये हमने खुद अपनी ये पीसीबी, हमने ओल्ड वाली पीसीबी न्यू एलईडी लगा करके ये वॉम वाइट में बनाई है, हाउसिंग नई है सब कुछ। बाकी हमने पीसीबी जरूर ओल्ड है, पर इसके ऊपर हमने एलईडी फ्रेश न्यू लगाई है, और इसकी रोशनी का जवाब नहीं, इसकी रोशनी का। ये हटाइए और इसे हम चेक करके दिखाते हैं आपको। ये लगाइए ले, ये देखिए, इसकी रोशनी का तो अंदाजा ही नहीं है, जबरदस्त रोशनी है, रोशनी जबरदस्त है इसकी। और इसमें वाट बहुत कम शो कर रहा है, इसका मतलब हमें इसमें जो एलईडी लगानी होंगी वो एलईडी हमें 1 वाट की इसमें लगानी होंगी, हमने 1/2 वाट की एलईडी लगाई है इसमें। अगर हम 1 वाट की एलईडी लगाते हैं तो यहाँ वाट 30 वाट बनाई है, तो 30 वाट ही हैं ये आएंगे अगर हम इसमें 1 वाट की एलईडी लगा देते हैं तो। अभी हमने 1/2 वाट की एलईडी इसमें लगाई है तो यहाँ कितने 20 वाट शो कर रहा है, 20 पॉइंट कुछ करके। और इसमें अगर हम 1 वाट एलईडी लगा देते हैं तो पूरे 30 वाट शो करेगा, ये देख सकते हो आप। अब ये एक्सपेरिमेंट ये और करके दिखाएंगे हम आपको कि इसमें 30 वाट लाने के लिए हमें 1 वाट की एलईडी लगानी होंगी, और फिर दोबारा से हम ये अगली वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो ये चीज बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप लोग जो भी जैसे काम कर रहे हैं, होलसेल में काम कर रहे हैं, और आप आगे मार्केट में माल बेचते हैं तो, और बाहर से माल बनवा करके मंगवाते हैं या रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं, तो आप उसमें बल्ब बना करके उसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि हमारे बल्ब में रोशनी कितनी निकल रही है, जिससे ये अंदाजा हो कि मार्केट में हमारा बल्ब नहीं पिटेगा, समझे। 15 वाट है, 15 वाट की रोशनी निकल रही है या नहीं निकल रही है, 20 वाट है, 20 वाट की रोशनी दे रहा है बल्ब या नहीं दे रहा, तो ये चीज क्लियर हो जाती है, तो उसे हम आसानी से दिल ठोक के फिर आगे बात कर सकते हैं पार्टी से, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो ये मशीन भी होनी जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।